हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सत्तू पराठा बताती हूँ बनाने के लिए। बहुत इजी प्रोसेस से बन जाते हैं। देखिए, दो चम्मच में बड़ी चम्मच सत्तू ली हूँ, चलो एक हरी मिर्च, अपने अनुसार कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं, 4 से 5 लहसुन के कली, इसे मैं बारीक काट ली हूँ, एक मीडियम साइज के प्याज है जिसे भी मैं बारीक तरह से काटी हूँ, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, नमक स्वाद अनुसार, किरस 2 चम्मच, इसमें मैं चना डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, कच्चे तेल से भी बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। इसमें डालूंगी मैं सरसों तेल 2 चम्मच। अब इसे मैं अच्छे से हाथों से इस तरह मिक्स लूंगी, अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाऊंगी, इसी से मैं अच्छे से सानूंगी। बहुत अच्छा लगता है जैसे पानी ना मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये हो चुका है मिक्स, देख सकते हैं। देखिए किस तरह से हो गया है। अब इसे एक साइड में रख देते हैं, तब तो मैं आटा गूंथ लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 कटोरी आटा ले ली हूँ, गेहूँ का आटा है ये। अब इसमें मैं थोड़ी सी नमक डालूंगी, सत्तू में भी नमक है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से डालें। इसे भी हल्की सी मैं नमक डालूंगी, इसे बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, इसे प्लस कर लें और फिर डालें। इसे हाथों से मिक्स कर लें और थोड़े थोड़े पानी करके इसे अच्छे सॉफ्ट आटा को गूंथ लें। अच्छे से मेरा आटा गुथा दिया है, इससे ज़्यादा साइज महफूज मीडियम साइज के रखने हैं। इसे ढक के मैं 5 मिनट रख लेती हूँ, तब तक मैं जाके चटनी बना लेती हूँ इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है, चलिए मैं ढक्कन निकाल के आटा को फिर से गूंथ लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह का लोई काटते हैं, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज का लोई लें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का इसे कटोरा साइज कटोरा बना लें, इस तरह कटोरा कुछ बना लें। इसमें 2 चम्मच इस तरह का सत्तू मिला लें और अच्छे से इसे कवर करें, इस तरह से इसका मुँह को इस तरह से बंद कर दें। इसके ऊपर से ऐसे हल्के हाथों से इसे ऐसे बेल दें। तो देखिए फ्रेंड्स, मिला चुका है, इसमें डाल के मिला हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हो चुका है दोनों साइड से। अब इसे मैं घी लगाऊंगी, अब इसे बटर भी लगा सकते हैं, मैं इसे घी लगा रही हूँ, मीडियम फ्लेम में रखे इसे, तो जल सकते हैं पूरा। इसे साइड से पलट के देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर एक कलर है। अच्छे से पक के रेडी हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ, एक और इसी तरह मैं डालूंगी इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्म गर्म सत्तू पराठा मेरा बन के रेडी हो चुका है और सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए, मैं इसे चटनी और सब्जी के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आलू चना की सब्जी है ये, चटनी है, इसे घर पर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। देख सकते हैं कितने ही सॉफ्ट बने हैं ये सत्तू पराठा, देख सकते हैं खाने में बहुत ही
यम्मी लगते हैं। ये रेसिपी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।